किचन में। देखिए आज हम क्या बना रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते, मटन के कोफ्ते, और वो भी हमारे अंदाज में। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आइए, कोफ्ते में क्या क्या चीजें आने वाली है। मैं आधा किलो जो कि मैंने मिक्सर में बारीक किया है और धोकर रखा हुआ है, ये है टमाटर बारीक कटे हुए दो, ये दो बारीक प्याज है कटी हुई, ये हमारे मसाले हैं, गरम मसाला दो चमचा, एक चमचा कश्मीरी लाल मिर्च, एक ये दो चमचा मिर्ची पाउडर और दो चमचा धनिया पाउडर, ये दो चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है पुदीना, कोतम्बीर, ये ताजी है, ताजा ही लेना है, इसकी खुशबू अच्छी आती है। यहाँ पर आइए, ये है मैदा एक बड़ा चमचा, आधा चमचा हल्दी, गरम मसाला, ये धनिया पाउडर एक चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चमचा, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, और ये हरा मसाला जिसमें हरी मिर्ची और लहसुन है, ये हरा मसाला है। चलो देखते हम कैसे बनाते हैं। ये कीमा है, पहले हम कीमा डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे मैदा, हल्दी, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हरा मसाला और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और एक चमचा बड़ा चमचा नमक। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तरह से मिक्स करना है, देखिए इस तरह से मसाले पूरे कीमा में अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। हमारा डो अब तैयार हो गया है, अब हम हाथ पर थोड़ा ऑयल लगाएंगे इस तरह से, और इतना छोटा सा लेंगे और इस तरह से हम इसे राउंड राउंड करेंगे। देखो इस तरह से राउंड करेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं, अब हम इसे ढक कर रखते हैं, और ये देखिए ये कोयला है, इसे हम लाल करने के लिए रख दिए। देखिए हमारा कोयला अब लाल हो गया है, हम फ्लेम को कम करते हैं। अब इसमें थोड़ा ऑयल डालते हैं, ढकना ढक देते हैं अच्छी तरह से। देखिए कोफ्ते जो है ना, ये तंदूरी कोफ्ते बना रही हूँ, और इसमें तंदूरी जैसा फ्लेवर आने के लिए मैं इसे कोयले का धुआं दी हूँ, ठीक है। इसे 10 मिनट तक ऐसे धुआं देना है, तो 10 मिनट तक हम दूसरा काम करते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है प्याज को ब्राउन करने के लिए, लाइट ब्राउन। देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे।
प्याज को हम मिक्सर में डाल के दरदरा पीसेंगे। चार चम्मच ऑयल डालेंगे। नॉन वेज है इसलिए ऑयल थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है, तो हमने थोड़ा ज्यादा ही डाला है, एक चम्मच ज्यादा डाल दिया। अब हमारा ऑयल गरम हो रहा है, हमारा ऑयल गरम हो चुका है और फ्लेम को हम कम करते हैं और फिर हम ये प्याज का पेस्ट डालेंगे। हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, लाइट ब्राउन हो गई। अब हम अदरक लहसुन डालेंगे इसमें। अदरक लहसुन के साथ में हमारी प्याज को हम अच्छी तरह से डार्क ब्राउन करेंगे। देखिए प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब इस दौरान हम डालेंगे हमारे गरम मसाले। अब अच्छी तरह से इसे हलाएंगे। अब डालेंगे टमाटे बारीक कटे हुए। फ्लेम को बड़ा रखेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। क्योंकि हमारा मसाला जले ना। हमारा मसाला अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। इस तरह से गोल गोल करके पूरा मसाला अच्छी तरह से भूनना है आपको। और ये जो टमाटे हैं हम वो ऐसे ऐसे चमचे से दबाना है तो वो भी बारीक हो जाएंगे और पूरे अच्छी तरह से भुने जाएंगे। फिर थोड़ा पानी और डालना है। अभी पानी हमने डाल दिए, अब इसे हम पकने देंगे। अब ये हमारा मसाला पकेगा। जब पकेगा और फ्लेम को हम बड़ा रखेंगे। देखिए हमारा मसाला पूरी तरह से पक गया है और वो तेल छोड़ रहा है। देखिए अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। हमें ग्रेवी चाहिए। देखिए अब हम इधर आएंगे। यहाँ हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। देखिए अब हम इस कोफ्ते को यहाँ साइड में एक एक रखेंगे इस तरह से। और इसे ढककर रखेंगे। अब हलाएंगे नहीं, पहले नीचे का पकने के बाद हम हलाएंगे। अभी अगर हम हलाए तो वो साइड से थोड़े से टूट जाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। ठीक है स्लो पर रखेंगे, स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। देखिए हमारे कोफ्ते से मैं आहिस्ते से हला रही हूँ। ऐसे तो कोफ्ते हमारे पक गए हैं,
एक एक नीचे की तरफ भी हला रही हूँ कि बखारा चारों तरफ उसे लगे। आप चाहे तो और ज्यादा ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन ये मसालों में ही ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए माशाल्लाह बहुत लाजवाब लग रहा है, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। एक चम्मच नमक डालेंगे और हरा धनिया, पुदीना, ये दोनों साथ में। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने मीडियम बनाया, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, और हम 10 मिनट के लिए इसे स्लो आंच पर ढककर रख रहे हैं। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे कोफ्ते अब पूरी तरह से पक गए हैं। अब हम इसे खाने के लिए प्याले में निकालते हैं। हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। देखिए मसाले वाले कोफ्ते कितने लाजवाब लग रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए। और जो भी चीजें मैंने बताई है आपको बारीकी से, वो चीजें आप बराबर। हम सबको तो बहुत भूख लग रही है, तो चलो चलते हैं खाने के लिए।